अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको गौर से सुनो, पहले सब्सक्राइब करो उसके बाद ये घंटा दबाओ। ओहो नौशा, क्या है शादी के बाद अब मिलते हो? क्या लाया हो? गुल्लू दादा बिरयानी से बेहतरीन जाफरानी बिरयानी लाया। देख जिंदगी में सादी बिरयानी नहीं खिलाए तुम्हारे जाफरानी, शादी के बाद वाकई बदल जाते मियां लोग। लाइफ अब शुरू ही पट्टे, ये जो जिया ना मैं सब बेकार थी। 18 का होते की शादी कर लेना था मैं, क्या जिंदगी हो गई रे भाई। भैया तू मेरे को चलाने बोल रहा है? कहीं को चलाऊंगा ते कौन तू? ये जो खुशी है ना मैं लफ्जों के जरिए बयान नहीं कर सकता हूँ, बहुत अलग है रे भाई। तू जब शादी करेगा ना तेरे को मालूम हो जाएगा ये अलग कितना अलग है। कितना अलग है ये अलग? तू मेरे को बयान भी नहीं कर सक रहा कितना अलग है ये अलग। एग्जैक्टली गौर कर रहा हूँ तुम्हारे चेहरे की स्माइल अलग हो गई है जब से। मास क्या 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 अलग हो गया पट्टे, मैं बोल नहीं सक रहा हूँ। देखो क्या 27 दिन हुए नहीं तेरी शादी हो गई? 27 डेज 4 आवर्स और 32 मिनट्स। तेको भी दिल बोल रहा हूँ नहीं, पूरे दोस्तों की शादी हो जा रही, सब सिंगल से डबल हो जा रहे, मैं इस दिन पे दिन अकेला होते जा रहा हूँ, मैं भी कर लूँ शादी। नहीं ये ख्वाहिश को मर्द आदमी अगर मार दिया तो वो मुकद्दर का सिकंदर। आए इन्हें एक बोल रहा तुम अलग बोल रहे क्या? इसकी शादी हो गई 27 दिन हो रहे, शेरवानी में से घोड़े की बोने गए अभी, इससे क्या पूछ रहा तू? एक्सपीरियंस इधर है, इन्हें जो खुशी से फुदक रहा ना इसको अंदाजा ही नहीं आगे क्या होने वाला है। आगे का सोचे तो जो खुशी हो रही ना आगे और क्या क्या होता की बोल के। वैसे तेरी छुट्टी कब खत्म है? कब जा रहा वापस दुबई काम पे? और 6 दिन है। ये 6 दिन जितना जीना है जीले, असल लाइफ उधर शुरू होती। ये क्या नकली है? अलग ही बात करते भाई नो पटे, तुम्हारी जो सेविंग्स थी देखो, जो इतने साल से तुम घस के अपनी फैमिली से दूर रह के ख्वाहिशा मार के जो जमाए थे वो तो शादी में लग गई होंगी। नहीं हाँ वो तो, और शादी धूम से करना, खाना खिलाक रहना, फंक्शन हॉल ये बड़ा रहना, ये चक्कर में लोन भी लिए होंगे आप, क्योंकि अपन इतने इनसिक्योर रहते लोग क्या सोचेंगे बोल के लोना उठा लेते। वो इस लोग खा के डकार लेके चले जाते 1 घंटे में, अपन 10 साल भरते वो लोन। वैसे लोन के पैसे तो कटते रहते रे भाई, लेकिन उधर जाते सबसे बड़ा खर्चा क्या लगता आपको? घर के फर्नीचर का। उतना क्या रहता? सबसे पहले तो वो सिंगल बेड फेंक के डबल बेड लेना आपको। वो तो मैं ऑलरेडी ले लिया। बाबा तुम बीफोर बेड लिए खाली, अब आपके बेगम सी से जेड तक सामान भरते घर में। क्या है ये घर है या खुला मैदान है? फौरन चलो फर्नीचर स्टोर को बोल के लेके जाते थे। उसके बाद बेडरूम में बेड, बेडरूम में टीवी होना, हॉल में भी टीवी होना। हॉल का टीवी कैसा रहता बोले तो? कुछ काम का नहीं है वो, उसका एक ही काम है, हम ऑफिस को गए तो उन्हें खोल लेके बैठ जाते घर में, आवाज आ रहना डरने होना बोल के, बस उत्ते के आस्ते हॉल में एक टीवी होना रहता। फिर बेडरूम में 2 आईने होना, एक मेकअप को एक कपड़ों को। अरे भैया वॉशरूम में इनका हेयर वॉश अलग है, बॉडी वॉश अलग है, फेस वॉश अलग है, अपन एक साबुन लेके जहाँ बोले वहाँ घस देते, पैखाने में खुशबू के मोमबत्तियां लगाते, और हॉल में एल शेप सोफा होना कहीं को मेहमान आए तो। लेकिन कोई भी नहीं आते, ना इनके मम्मी आते ना तुम्हारे पापा आते, वो 2 लोग छे घर में, लेकिन एल शेप सोफा होना। वॉशिंग मशीन आती है 2 जनों के वास्ते, ये बड़ी वॉशिंग मशीन, पूरे महल्ले के कपड़े धुल जाते उसमें, और वो वॉशिंग मशीन में कहते उन्हें कपड़े धोना, उन्हें कपड़े सुखाना, उन्हें निचोड़ना, उन्हें घड़ी करके भी दे देता, बस पिनाना बाकी है। अरे भाई घरों के कोने कोने भर देते भाई, यहाँ फूलों का आवाज होना, वहां कुछ तो भी क्रिस्टल का होना, दीवारों पे सीपियां होना। अपने माओ के जमाने में कैसा था, एक झोपड़ी में मियाँ है मेरे साथ, मेरी ये जन्नत ये छे बोल के एक झोपड़ी में रह लेते थे। अब सबसे बड़ा खर्चा सुनो तुम, मेकअप। जो भी ये मेकअप निकाला ना बाप, उसको इतनी बद्दुआ निकलती मेरे दिल से, इतना महंगा शौक है यकीन मानो, आखिरी महंगा शौक है मेकअप। अरे ऐसा कितना महंगा रहता जी मेकअप? अरे मैं बोल रहा ना बड़े भाई, इतना महंगा रहता मेकअप, वो पैसों में गरीब घर का राशन आ जाता और घर का किराया भी निकल जाता, हिसाब लगा ले तू। और ये मेकअप का जो महंगा शौक है, ये बच्ची की गलती नहीं है, ये बच्ची के अम्मा बाबा की गलती है। ये जो डैडीज प्रिंसेस मम्मीज क्वीन बोल के जो बोले वो जो दिला देते ना बिगाड़ देते, फिर क्या करते वो महारानी को उठा के हमारे जैसे स्ट्रगलिंग बैचलरों को दे देते, लो बेटा संभालो बोल के। अरे अपने को भी ख्वाहिशा पूरे करना पड़ता, अपने से वही एक्सपेक्ट करती भाई बच्ची, वो अपन कहां से करेंगे बोलो? अपनी सैलरी 4 आने, इनका मेकअप 12 आने। फिर अचानक से क्या होता, इनके दोस्तों की शादियां शुरू हो जाते, इन्हों करते ही इनके दोस्तों को शौक उठता मेरे कुछ करना है, तो कैसा उठ रहा मास सेम वैसी भेजो लगा के टिकट हर दोस्त की शादी में। और इन लोगों का सीन कैसा रहता भाई, एक बार जो शादी में कपड़े पहन लिए ना वापिस नहीं पहनते, कई को मम्मीज क्वीन डैडीज प्रिंसेस है भाई, उन्होंने नहीं पहनते, रिपीट नहीं करते उन्होंने। अपन ये 399 के शर्ट में ऑफिस भी चले जाते, दावतां भी चले आते, देख कितना टाइट हो गया, अभी भी पहन रहा हूँ, पूरा वसूल करना है था अपने को ये। लेकिन उनको हर शादी में नए कपड़े, गरारा शरारा, खड़ा दुपट्टा, बैठा हुआ दुपट्टा, ये वो बला बत्तर भाई। अपन दिन भर
24/7 365 डेज अ ईयर ऑफिस में घसो घसो, इनको जो बोले वो दिलाओ, इनके पूरे ख्वाहिशा पूरे करो, लेकिन सुबह ऑफिस जाते खर नींद में से उठा के एक दो रोटी डालो बोले तो मुंह फूल जाता। कई को उठाए भाई नींद में से, कुछ भी खा लो ना, बाहर जाते जाते चाय बन खा लो ना। अरे भैया रोटी खाने तरस जाना, भैया रोटी खाने तरस जाना आदमी। हाँ कभी कभी तो मेरा दिल बोलता वो इस तकिया ले लेके गल्ला खोड़ देना, दिल बोलता। बहरहाल फाइनेंशियल टेंशन तो चलते रहती भाई, कुछ भी नहीं कर सकते उसका, अपन मरे तक है वो। लेकिन उसके बाद मेंटल टेंशन पैदा हो जाती। देख वो कैसा पैदा होती, जब उन्हें बोलते आपका फोन दिखाओ, ये तीन अल्फाज हर मर्द आदमी की जान ले लेता। अब भी सूरत सुख गए तुम लोग के, मैच बोला तो बीवी पूछी तो क्या होता सोचो, खामोश दे देना पड़ता आपको। क्या करते आप, आपकी सूरत छोटी अगर हुई या आप जरा भी झिझके, सीआईडी से खतरनाक चेकिंग होती, इसलिए पूछते कि सीधा अनलॉक करना दे देना। और वो 100% कुछ ना कुछ निकलता भाई फोन में। आप क्या सोचते, मैं डिलीट कर दिया भाई सब, मस्त हूँ मैं। लेकिन बहुत बड़ी गलत फैमिली है आप लोगों की। वो इंस्टाग्राम का डीएम, वो स्नैपचैट की स्नैप, वो एफबी का मैसेंजर। अब पुराने पापी है तो और कूट के भी पुराने पापा निकलते। अरे भाई पूरा फोन फॉर्मेट मार देना, पूरे नए अकाउंट बना देना, खत्म सिंपल। हम भी वही सोचे थे ऐसा करे तो बच जाएंगे बोल के, लेकिन जो कमीना है जीमेल है ना, व्हाट्सएप के पूरे चैटा रिस्टोर कर डाला, वहां पे पकड़े गए। और अगर आप एक बार पकड़े गए वहां से आपकी जिंदगी हराम, एक महीने में खत्म समझ जाओ। अरेंज मैरिज करे भाई आप, अरेंज मैरिज करे तो क्या है, फिर भी संभाल ले सकते। क्या बोल के, भाई पुराने आशिक थे वो, अब नहीं कर रहे ना, आप शरीफ है ना, आप सुधर गए ना, खाली तुम ही छे ना, बोल के संभाल ले सकते। लव मैरिज करे तो क्या करते, शुरू से इनुष है तुम्हारे साथ, दूसरी कहां से आई, यहां से इनु बॉस पोजीशन पे पहुंच गए समझो तुम अब। और बच्चियां इतने होशियार रहते, आशिकी के टाइम क्या करते, पूछ लेते स्वीट तरीके से पूछ लेते, आपके कोई गर्लफ्रेंड्स थी क्या पहले, कौन सी क्रशेस थे आपके, आपकी फैमिली में भी कुछ है तो बोल दो, इट्स ओके इट्स नॉर्मल यू नो, आई आप मेरे साथ है ना, इट्स ओके इट्स नॉर्मल बोल लेते अपन क्या है जोश में। और जलाएंगे जरा बच्ची की और बोलेंगे, बोल के एक केस है तो चार बोल देते, हो एक थी फलाना फलाना, उन्हें थी इन्हें थी, दीवानी थी मेरी, ये थी वो थी, बोल देते और अपन बोल के भूल जाते। लेकिन इन लोग मरते दम तक एक एक चीज याद रखते साहब, एक एक चीज याद रखते। लियो नया शॉट, पकड़े जाते लड़ाई शुरू। अब जिंदगी भर तुम्हारे पे भरोसा वो औरत कभी नहीं कर सकती। दिमाग में एक बार आ गया भाई, क्या आ गया, इन्हें पहले भी कराना, इन्हें अभी भी कर सकता। अब कहीं भी जाओ 10 सवाल, कहीं को जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कैसा जा रहे हैं, किससे जा रहे हैं, हाँ फोन नहीं उठाओ वही 10 सवाल। अरे भाई हद क्या है, सुनो हद ये है कि जब बोले जब वीडियो कॉल कर देते, अरे भाई मैं गाड़ी चला रहा हूं रास्ते में, तुम मर जाओ लेकिन वीडियो कॉल होना। रिलेशनशिप में कैसा रहता, हाँ खाली ब्रेकअप कर लेता हूँ बोले तो ठंडे होके लाइन पे आ जाते। शादी के बाद हिसाब उल्टा हो जाता भाई, क्या उखाड़ते कैसा उखाड़ते, जो उखाड़ते उखाड़ लो बोलते, अपन क्या करते हाथ बन लेके खामोश ठहरना पड़ता। ये जो फोन है इसका और एक दम सुनो, इन्हों ब्राउज करते रहते हैं इंस्टाग्राम। इनकी एक सहेली स्विट्जरलैंड में स्लो मोशन में बर्फ से खेलते रहती, नीचे गए तो और एक सहेली पेरिस में आईफिल टावर के सामने फोटो डालती। अब वो देख लिए इन्हों, अब बोलते हमारे को भी पेरिस कब लेके जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड कब लेके जा रहे हैं। अरे उन्हें ले रही उसको लेन दे रहे बाबा, मेरे को उससे क्या करना है, उसको चांद पे जाके ले लेने दे। अरे यारो इधर मलकपेट के टीवी टावर के सामने खड़ के फोटो लेने के पैसे नहीं है, आईफिल टावर कहां से लेके जाना भाई तुम्हारे को। भाई जरा सोचो जरा कैसी फकाट हालत है मियां की, नहीं उठेगी बोल दिए पेरिस यूरोप, फिर बोलते मेरी कुछ ख्वाहिश पूरी नहीं करते आप बोल के। ऐसा होता मालूम है सुने तो सर बोल के आग लगती है सा। अरे भैया तुम्हारे को करोड़ों का मेकअप दिला दिया मैं, हाँ घर में पूरा फर्नीचर भर डाला, फिर ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तुम्हारी। फिर एक दो तीन साल गुजर गए, दो बच्चे हो गए, लियो नया शर्ट, पैंपरों का खर्चा। पहले सबसे पहले पैंपरों का थैला ले लेना, कई को बोले तो इतने महंगे है पैंपर, अपने अम्मा बाबा बेचारे फालियां सीते थे, वही फाली पीना है, वही धो दिए, फिर वापिस वही पिना लिए, नहीं अब पैंपरा है भाई पैंपरा, वो भी कैसे कैसे पैंपरा है कहते, बच्चे को मालूम नहीं हो रहा कहते ऐसे पैंपरा है। सरेला का डब्बा कितना महंगा रहता समझ रहे तुम ला, हाँ अपने को खिचड़ी और गुल्लती पे पाल दिए अम्मा बाबा अपने, हाँ इन लोगों को सरेला। और भाई पानी तक अलग है भाई, बच्चों का बेबी वाटर कहते, अरे भाई उल्टियां हो जाते कहते वो पिए तो, करता शादी तू अब बैगन करा शादी में, हट भाई बिरयानी ठंडी हो रही खा लेंगे, चल मेरे को भी आना। Well, that's it guys. Hope you guys enjoyed this video. If you did, क्या करना मालूम ना, कुल्लू दादास की बिरयानी खाना, तो मैं और वीडियोस बना दू। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, सब्सक्राइब करो क्योंकि हर हफ्ते खिराक अंगा चिख मार मौत वीडियोस आते हैं चैनल पे। एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, दुआ में याद स्टे किराक।